ये हंगामा मचा हुआ है लखीमपुर खीरी के उस निघासन थाना क्षेत्र में जहां कुछ समय पहले किसान की मौत को लेकर योगी सरकार घिर गई थी। अब मामला है दो दलित लड़कियों की मौत का। दरअसल आरोप ये है कि दो लड़कियों को तीन युवक घर के सामने से अगवा कर ले गए और कुछ देर बाद उनका शव खेतों में पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिवार वाले सड़क पर उतर आए। 14 सितंबर की देर रात घटित इस घटना को लेकर पूरा विपक्ष सक्रिय हो गया है और योगी सरकार पर फायर भी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में दो दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। वहीं समाजवादी पार्टी ने लिखा, महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री की सच्चाई। लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित बहनों का शव पेड़ से लटका मिला। योगी सरकार में गुंडे रोज कर रहे हैं माताओं बहनों का उत्पीड़न, बेहद शर्मनाक। मामले की जांच कराए सरकार, दोषियों को मिले कठोरतम सजा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, लखीमपुर में दो बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों को दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों व टीवियों में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी योगी सरकार? वहीं इनके अलावा आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा एक वीडियो इस घटना के बाद तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें SP संजीव सुमन और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हो रही है। हो सकता है कि आप नियम कानून भी छेक देंगे पूरा और उसके बाद आप सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, मैं जो आपके पास होगी आप ग्राम प्रधान जिम्मेदारी आपकी होगी, आप ग्राम प्रधान हो, मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूँ मैं नेतागिरी कर रहा हूँ। किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए। रोड जाम करना गलत है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी पब्लिक है मेरे लिए, जितनी लोग चल रही है रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं खराब कर दूंगा। आपका जो भी चलिए नंदकिशोर है, नंदकिशोर पागल हो क्या? लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।